गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, अभी सुबह का समय हो रखा है और आपने देखा घड़ी में बज रखे थे 4:30। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ, यानी कि मैं उठ गई थी 4 बजे के आसपास उठ गई थी। अलार्म लगाकर सोई थी इसीलिए, क्योंकि इन्होंने मुझे रात को ही बोल दिया था कि मुझे कल सुबह जल्दी जाना है, 5:30 के आसपास ये चले जाएंगे ऑफिस। इसलिए तो कह रहे लंच बना के दे देना, क्योंकि हो सकता है दिन में ना आ पाऊँ, काम कल कुछ ज़्यादा है। इसलिए तो उन्होंने तो मुझसे बोला था कि तू ऐसा कर, दाल अभी उबाल के रख दे और आलू भी अभी छोक दे, और फिर सुबह थोड़ा कम काम रहेगा ना। इसलिए तो मैंने कहा नहीं, मैं उठ जाऊँगी, मैनेज कर लूँगी। इसलिए तो बस मैंने दाल उबाल दी थी, और छोटे वाले आलू होते हैं ना, इन्होंने वही ला रखे थे। कह रहे इनको ना छोक दियो, इन्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये पता क्या करते हैं, छिलका नहीं उतरवाते। आपने देखा ही कि मैंने उनका छिलका नहीं उतार रखा था ना, इसलिए तो बोलेंगे ऐसे ही छोक दे। सब्जी बनवाएंगे तो बोलेंगे ऐसे ही छोक दे। भुज्जी वगैरह में डालती हूँ वैसे तो मैं ना ये वाले आलू, तो या मूली की भुज्जी हुई, मेथी की भुज्जी हुई। इसलिए तो कह रहे थे कि ना ऐसे छोक दे, और बच्चे खाते नहीं, मतलब नैना नहीं खाती, सोना नहीं खाती, बोलती है छिलके मुँह में आते हैं ना तो अजीब सा लगता है बच्चों को। इसलिए तो बस मैंने दाल भी छोक दी है और बस आलू भी बनने वाले हैं, थोड़ी सी कसर है उनमें, थोड़ी देर में बन जाएंगे। और उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे को उठा देना 5 बजे के आसपास, तो मैंने फ़ोन करूँगी। तो पहले चावल रख देती हूँ उबलने के लिए, तो चावल बनेंगे कुकर में, फिर आटा गूंथते हैं, और बस इन्हीं के लिए रोटियाँ बनाऊँगी अभी तो ना, क्योंकि इतने सुबह सुबह तो अगर मैंने रोटी बनाकर रख दी तो समझो जब तक हम खाएंगे ना तब तक तो अजीब सी हो जाएंगी वो रोटियाँ ना। इसलिए और भी ठंडी रोटी ना ऐसी खाई भी नहीं जाती, घर में होते तो नहीं खाई जाती, बाहर कहीं गए हों सफ़र में और लेके जा रखें और रोटियाँ साथ में ना, फिर तो खा लेते हैं। इसलिए तो बस दाल भी बन गई है और आलू भी बन गए हैं, दोनों की मैंने गैस बंद कर दी है। और यहाँ पे देखो मैंने इन्हें उठा दिया था, तो ये गए हैं दूध लेने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितना अंधेरा हो रखा है ना बाहर, वो जा रहे हैं दूध के लिए। और सामने आपने देखा, ये देखो ये जल रहे हैं ना, तो उन्होंने तुलसा जी की पूजा की होगी ना, कार्तिक नहा रहे होंगे ना, इसलिए तो अर्ली मॉर्निंग नहा लेते हैं ना, कार्तिक जब नहाते हैं तो बहुत ही जल्दी नहा लेते हैं। इसलिए मैंने कहा चलो पूरी विंडो खोल देते हैं, और रात को ना फ़ोन चार्ज करना ही भूल गई थी, तो इस समय आते आते बैटरी डिस्चार्ज हो गई बिल्कुल। फिर मैंने चार्जिंग पे लगाया, तब तक मेरा सारा खाना बन गया था। तो ये सब्जी बन गई आलू की, ये दाल है, ये रोटियां हैं, तो मैं इनका लंच पैक कर रही थी, क्योंकि तो नहा चुके थे, पूजा कर चुके थे, बोले खाना लिया जल्दी से, तो मैंने कहा चलो ठीक है। बस इनका मैंने लंच पैक कर दिया है और इनका नाश्ता मैं देकर के आऊँगी इनको, और बस ये इनका खाना हो गया है अभी, और किसी के लिए नहीं बनाया। बच्चों को तो आज स्कूल जाना नहीं है, छुट्टी है बच्चों की ना, इसलिए तो वो थोड़ा देर से ही उठेंगे, तो जब खाएंगे तो ही बनाऊंगी। और ये इनका नाश्ता है, और मैं यहाँ पे नाश्ता लेकर के चली गई इनके लिए ना, क्योंकि इन्होंने मुझको बोला कि सुषमा लिया चाय लिया, तो मुझे लगा शायद नाश्ता भी लेके जाना होगा, तो मैं दाल रोटी चावल सब रख के ले गई। ये बोले अरे ये सब कुछ ले आई, मेरे को तो सुबह सिर्फ चाय ही पीनी थी। मैंने कहा मुझे क्या पता था, मैं तो खाना लगा लाई, अब आपको जितना खाना है उतना खा लो, बाकी छोड़ दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर इन्होंने खाया खाना और छोड़ दिया थोड़ा। और यहाँ पे ये तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, और देखो बाहर बिल्कुल अभी भी अंधेरा है। अब तो जो स्ट्रीट लाइट है ना वो भी बंद हो गई है, तो इस तरीके से तो ये जा रहे हैं ऑफिस। बस इसके बाद हम थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि इतनी सुबह तो मुझे नहीं उठना है, बस मेरा काम तो हो ही गया है, खाना वगैरह बन ही गया है, कोई टेंशन ही नहीं है, जब बच्चे खाएंगे तब बनाऊंगी रोटियां। इसलिए तो ये ले रहे हैं गाड़ी की चाबी, क्योंकि आज अपनी ही गाड़ी से जाएंगे, हर रोज़ तो जाते हैं ऑफिस वाली गाड़ी से ना, लेकिन आज अपनी गाड़ी से जाएंगे, तो बस ये गाड़ी की चाबी ले रहे हैं और ये जा रहे हैं ऑफिस। बाय। तो फ्रेंड्स, आज मैं करूँगी अलमारी ठीक। तो ये है सोना के कपड़े जो कि मैंने उसके अलमारी से बाहर निकाल रखे हैं, तो पहले इसके कपड़े ठीक से लगाऊंगी और फिर लगाऊंगी अपनी अलमारी में कपड़े अच्छे वो से। आएंगी ना तेरी, तो ये भी नहीं पहनते तो कोई चुपता है ना, नहीं पहनना ना, नहीं, पहले पंखा चला ये वाला, मुझे ये पहनना है, कपड़े बना रही मैं, नहीं चल पहले पंखा चला बेटा, नहीं छोड़ना, जो नहीं आते ना बेटा दे दे देने चाहिए किसी को, तो मैं चुन्नी दे दूंगी, हाँ चुन्नी दे दूंगी तेरे को, मैं दे दूंगी, पहले तू पंखा चला ये वाला, पिंक कलर का नहीं फेंकने का, उसकी चुन्नी भी नहीं फेंकने की, नहीं ये तो तुझे बहुत बड़ा है, अभी ये कहाँ आता है तेरे को, आ
ये नहीं दे रही हूँ, ये तो तुझे बढ़ाया, मैं ये कह रही हूँ। तो क्या बात है, तो ना ले दुपट्टा। इसकी चुन्नी भी थी ना, इसकी चुन्नी, इसकी चुन्नी नहीं है यहाँ पे, इसकी चुन्नी वाली ले, इसके इसके बारे नहीं चाहिए। इसका क्या चाहिए, तो पहनती तो नहीं है इसको भी, तो इसका लहंगा चाहिए। लहंगा नहीं है बेटा, ये लहंगा तो बाप तो पहनाऊंगी दिवाली पे, लहंगा रखा है मेरे पास, ये पजामे पहन लूंगी। सोना बेटा कहना सुन दे, काम करने दे। अच्छा जी, मैं तेरे से पूछ के कुछ नहीं देने वाली, मुझे जो देना है अपने हिसाब से दूंगी। तो यहाँ पर ना मैंने क्या करा है, इसके जो कपड़े हैं ना, जो इसके नए वाले कपड़े हैं, मतलब जो कहीं आने जाने में पहनती है जैसे, उन कपड़ों को मैंने रख दिया सारा एक तरफ। ये क्या करती है, जब कभी खुद से कपड़े निकालेगी ना, तो सारे कपड़े ना मिक्स कर देगी, सारे के सारे कपड़े। तो यहाँ पे मैंने इसकी सारी जो हाफ बाजू टी शर्ट है और फुल स्लीव टी शर्ट है, दोनों की दोनों मैंने एक तरफ ही रखी हैं, क्योंकि अब सर्दियों में तो हाफ और फुल दोनों ही पहनी जाएंगी। कितनी बार होता है ना, जैसे कि नीचे जब ज़्यादा ठंड होती है ना, फिर मैं इसको नीचे हाफ पहना देती हूँ, उसके ऊपर फिर फुल पहनाती हूँ, फिर जर्सी पहनाती हूँ, इस तरीके से पहनाती हूँ, या फिर हाफ पहना करके ऊपर से स्वेटर पहना देती हूँ, फिर फुल स्लीव पहना देती हूँ, इस तरीके से पहनाती हूँ कपड़े ना सर्दियों में। और बाकी जो इसकी स्कर्ट और टॉप है वो मैंने एक तरफ कर दिए हैं, स्कूल के कपड़े जो हैं वो एक तरफ रख दिए हैं इस तरीके से। और यहाँ पे मेरा दिमाग खाए जा रहे थे, ये नहीं देना, ये नहीं देना, ये मुझे पहन के देखना है, ये मुझे पहन के देखना है, इस तरीके से। जैसे इस जैकेट को ही पहन के देख रही थी, तो जैकेट इसको थोड़ी टाइट हो गई है पहले से ना, क्योंकि मैं इसको पिछले साल लेकर के आई थी, शायद फ्रॉक के ऊपर की, लेकिन पता नहीं क्यों, या तो इसने शायद ढंग से नहीं पहनी, ये भी हो सकता है, तो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने पहनाया नहीं था इसको। तो यहाँ पर ये देख रही थी, कह रही नहीं ये वाले मत देना, ये वाले मत देना, तो बस इस तरीके से मैंने इसकी सारी अलमारी लगा दी है, अभी लगाएंगे अपनी अलमारी को, ठीक करूँगी। कपड़े ना ऐसे हो जाते हैं, मतलब कुछ सामान वामान देखने में कपड़े ना ऐसे ख़राब हो जाते हैं, सबके साथ ऐसे ही होता होगा ना। मुझे लगता है सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैंने सब सामान लगा दिया अच्छे से, तो अभी आप देखोगे ना अलमारी को, तो जितने कपड़े मैंने लगाए हैं ना इसके, उससे ज़्यादा कपड़े तो बाहर निकाल दिए हैं मैंने इसके। ये देखो ये इसके कपड़े हैं, अभी मैं अपनी अलमारी ठीक करूँगी, मैं आपको दिखा रही थी। ये देखो ये सारे कपड़े मेरे को देने हैं, अब मैंने अलग निकाल दिए, कुछ ही पहनती ही नहीं है बिल्कुल भी ना इसको, मतलब अच्छा ही लगता कि नहीं मुझे नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है। तो देखने दे उसमें क्या हो गया। और देखो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको ना, अभी मैं सफाई कर रही थी ना, तो मुझे क्या मिला है, मतलब कोइंसिडेंस है ये कि हम दोनों की तरफ से जो हमारे शादी कार्ड छपे थे एक जैसे छपे थे। ये देखो ये क्या लिखा है, दिखाओ। ये देखो सेम, ये साइज में छोटा है और ये वाला बड़ा है, बस इतना ही फर्क है। ये तो सेम सेम है, एक सेम सेम, ये पापा और ये मम्मा, ऐसा एक पेज का, एक पेज का पीछे कुछ हिसाब भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो सफाई कर लेती हूँ अलमारी, अपनी अलमारी साफ कर रही हूँ अभी। ए इसका लिफाफा भी दे, ये मेरे घर से आया हुआ ना, इनके यहाँ पर निमंत्रण शादी का, कि शादी करने आ जाओ। तो ये वो कार्ड है, और इनका कार्ड है, किसी को देना भूल गए थे इसलिए इनकी तरफ का कार्ड है, भी देखो उसका नाम लिखा है। तो जी ये देखो अलमारी ठीक कर दिए मैंने, ये वाले भी अच्छे से लगा दिए कपड़े सारे के सारे, अपनी अलमारी के भी, और ये दोनों थैले तो ऐसे ही टंगे रहेंगे, इनकी कहीं और जगह है ही नहीं, ये मेरी अलमारी के अंदर ही टंगे रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना ऐसे कागज़ वगैरह रखे हैं मेरे ना, जैसे अस्पताल वगैरह जाती हूँ बच्चों का लेकर के, तो वो सारे कागज है। और ये साड़ी और सूट, तो साड़ी तो मैंने करवा चुके पूजी थी वो है, और सूट ये है ओहे का, मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखो तो ये है ग्रीन कलर का सूट, कैसा लग रहा है मुझे बताना। और ये साड़ी मुझे तो बहुत अच्छी लगी दोनों चीज़ें, इसलिए तो सूट दूंगी जेठानी जी को और सास को दूंगी साड़ी, तो बस भिजवाऊंगी अभी सास के पास ना, देखते हैं कल परसों में भिजवा दूंगी, देखती हूँ। और बस चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो जी चलिए कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।